हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं कि उस पर क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, कितने टफ हो सकता है, वो सब देखते हैं हम लोग। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम वन से। प्रॉब्लम वन में क्या दिया हुआ है? ए पुलिस कार बी इज चेसिंग ए कल्प्रिट कार ए। मीन्स ये हमारा क्या है? पुलिस कार है। ये हमारा क्या है? कल्प्रिट का है। ठीक है, कार ए एंड बी आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी वन इक्वल टू दिस एंड वी टू इक्वल टू दिस। ठीक है, वी वन हमारा क्या दिया हुआ है? 108 km/h। इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। क्या होता है मीटर पर सेकेंड में? क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 630 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही V2 हमारा कितना आ जाएगा? 90 km/h दिया हुआ है, तो 90 × 5/18, ये तो सबको पता है कि क्या हो जाए। ठीक, 25 मीटर पर सेकेंड हमारा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। अब क्या दे रहा है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द पुलिस डिसाइड्स टू ओपन फायर एंड अ पुलिस मैन स्टार्ट फायरिंग विथ हिज मशीन गन डायरेक्टली एमिंग एट कार ए। ठीक है, मशीन गन से स्टार्ट कर दे रहा फायरिंग। द बुलेट हैज अ वेलोसिटी दिस 305 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द गन। क्या चीज? रिलेटिव टू द गन। पॉइंट को आपको नोट करते चलना है। क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? द पुलिस मैन कीप फायरिंग फॉर एन इंटरवल ऑफ 20 सेकंड तक हमारा फायर कर रहा है। द कल्प्रिट एक्सपीरियंस दैट द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट बुलेट हिटिंग हिज कार इज डेल्टा टी। फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, तो फाइंड डेल्टा टी, वही आपको बताना है कि कितना डेल्टा टी है, फर्स्ट एंड लास्ट बुलेट के बीच का टाइम गैप कितना है, वही आपको निकालना है। तो क्या करें हम लोग अब इसको निकालने के लिए? पहले मान लेते हैं दोनों के बीच में इस इंस्टेंट पे क्या है, एक्स डिस्टेंस है। इस इंस्टेंट पे जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पे, मीन टी इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या है? अगर इस समय मानते हैं टी इक्वल टू जीरो, तो इस इंस्टेंट पे हमारा क्या है? एक्स इक्वल टू क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है। ओके, अगर x मान ले तो स्पीड ऑफ बुलेट में बोलूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? यहाँ पे तो स्पीड ऑफ बुलेट क्या दिया? रिलेटिव टू द गन। गन कहाँ है? पुलिसमैन के पास। पुलिसमैन की स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। यही तो दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की स्पीड क्या हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? अब बताओ बुलेट की स्पीड, अगर बुलेट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? अगर मैं क्या बोलूं, ये v बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 305 मीटर पर सेकेंड। इसे क्या लिख सकते हैं? vb माइनस v b मीन्स पुलिस कार इक्वल टू 305। तो v बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? 305 प्लस 25 मीन्स 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए इसके रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड क्या है, ये देखना है, क्योंकि इस पे हिट कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड देखना पड़ेगा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? सॉरी 330 है ना? हाँ 330। तो 330 माइनस हाउ मच कितना होगा? अब बताओ कितना इसकी स्पीड है? 30 मीटर पर सेकेंड वी ए। तो हमारा क्या है? 300 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये तो क्लियर है। तो अब अगर हमें बोलना है कि टाइम क्या होगा, अगर फर्स्ट बुलेट इस समय टाइम, अगर टी इक्वल टू जीरो पे बुलेट रिलीज कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है इसे हिट करने में, तो उसे क्या मान लें? टी वन। क्या माने? टी वन मीन्स बोलूं कि टाइम व्हेन फर्स्ट बुलेट हिट द कार ए, टाइम व्हेन फर्स्ट बुलेट हिट द कार ए। कार ए मीन्स कल्प्रिट का कार, अगर उसे हिट कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? टी वन इक्वल टू एक्स बाई वी बी ए, इसी की स्पीड से तो कर रहा है, मीन्स एक्स अपॉन 300। हमारा इक्वेशन वन आ गया, पहला जब हमारा बुलेट हिट किया तो। लेकिन कितने हमारा कितने टाइम तक ये फायर किया जा रहा है? 20 सेकेंड। ऊपर दिया हुआ है कि क्या दिया है? 20 सेकेंड तक हमारा किया जा रहा है। तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया रहेगा ये देखना होगा। 20 सेकेंड में कार क्या हो गया होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया रहेगा? ठीक है, तो वो देखते हैं। डिस्टेंस व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द कार व्हेन द लास्ट बुलेट,
लास्ट बुलेट क्या किया जाए, फायर किया जाए. जब लास्ट बुलेट फायर किया जाए मीन्स टी इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू हाउ मच 20 सेकेंड. अगर 20 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस हो जाएगा आप बताओ. न्यू डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स डैश, अगर एक्स डैश मानते हैं तो पहले हमारा क्या था, एक्स था. अब हमारा वी किसका रिलेटिव होना चाहिए, ए बी, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है बी से, आपने देखा. ठीक है, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस बढ़ेगा. ए की स्पीड क्या है आपका, ए की स्पीड हमारा 30 है, इसका 25, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ेगा वी ए बी इंटू हाउ मच, कितना 20 सेकेंड. ठीक है हमारा, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा. इतना डिस्टेंस पहले इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर एक्स था, अब टी इक्वल टू 20 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस बढ़ गया होगा, तो 20 सेकेंड इंटू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड वी, वही हमारा फाइनल होगा. मीन्स एक्स प्लस रिलेटिव कितना हो जाएगा 5 × 20, दैट मीन्स एक्स प्लस 100 मीटर, जो भी मानना है. ठीक है, एक्स डैश हमारा ये आ गया. तो नया टाइम क्या होगा, जब टाइम व्हेन लास्ट बुलेट हिट, टाइम व्हेन लास्ट बुलेट हिट द कार ए, अगर लास्ट बुलेट हिट द कार ए तब क्या होगा टाइम, आप बताओ. टी टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी नॉट क्या है हमारा, टी इक्वल टू जीरो जब इनिशियली हम लोग माने थे तब. अब टी नॉट क्या हो गया, 20 सेकंड तक फायर किया जा रहा है, मीन्स 20 सेकंड हो गया टी नॉट, प्लस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स डेट बाई, एक्स डेट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक्स डेट बाई हमारा वी, वी बी ए जो निकाले हैं हमारा रिलेटिव वेलोसिटी बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स हाउ मच 20 प्लस एक्स प्लस 100 अपॉन 300. ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस एक्स बाई 300 प्लस 100 बाई 300, इक्वेशन नंबर 2. हमें तो चाहिए टाइम इंटरवल, क्या चाहिए टाइम इंटरवल. ठीक है, टाइम इंटरवल, इंटरवल मीन्स चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मीन्स टी टू माइनस टी वन. ठीक है, टी टू माइनस टी वन, हमारा टी टू क्या है, अब देखो 20 प्लस एक्स बाई 300 प्लस 1/3, ये दोनों कैंसिल, माइनस टी वन क्या है एक्स बाई 300, ये दोनों कैंसिल आउट. ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जा रहा है, अब देखो ये 300, दिस हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1/3, ओके, मीन्स हाउ मच 20 पॉइंट, आप क्या लिख सकते हैं, मीन्स आप कर लो 61/3 सेकेंड, ऐसे लिख लो. ठीक है, दैट इज योर आंसर, ओके. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ठीक है, ए मैन वॉकिंग डाउन हिल विथ वेलोसिटी वी नॉट, फाइंड दैट हिज अम्ब्रेला गिव्स हिज मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन व्हेन ही होल्ड्स इट सच दैट द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द हिल सरफेस. मीन्स स्टिक क्या है, परपेंडिकुलर टू द हिल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर है ये स्टिक जो पकड़ा हुआ है. ठीक है, अम्ब्रेला का ये बोल रहा है जब डाउन हिल आ रहा है तो. व्हेन द मैन टर्न बैक एंड क्लिम्स द हिल विथ वेलोसिटी वी नॉट. ठीक है, जब वी नॉट वेलोसिटी से क्लाइम कर रहा है, ही फाइंड दैट इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द होल्ड, ठीक है, द अम्ब्रेला स्टिक वर्टिकल मीन्स प्लेन के, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके नहीं, वर्टिकल रख रहा है मीन्स इसके. ठीक है, फाइंड द एक्चुअल रेन स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ वी नॉट. वी नॉट के टर्म में रेन की स्पीड बतानी है. ठीक है, रेन ड्रॉप की. ठीक है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा इक्वल टू, तो अब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. किस देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को एक्स मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर इधर को वाई, ऐसे मान ले रहे हैं. ठीक है, ऐसे मान तो सकते हैं कि ये डायरेक्शन को वाई और इधर को एक्स मान ले रहे हैं. तो अब चलते हैं फर्स्ट केस देखते हैं. हमारा फर्स्ट केस में क्या है, जब ये हमारा अम्ब्रेला ऐसे है, ठीक, अम्ब्रेला ऐसे है मीन्स मैन यहाँ पे है. ठीक, मैन यहाँ पे है आपका, ये पकड़ा हुआ है. अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है तो अगर फुली प्रोटेक्शन दे रहा है तो वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर होगा, आप बताओ. ऐसे ही तो होगा, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मैक्सिमम, तभी इसे फुली प्रोटेक्शन मिल रहा होगा इससे, वाटर से. ये समझ में आ रहा है कि अगर रेन डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर गिरेगा तभी हमें फुली क्या मिल रहा होगा, इसे सेफ्टी मिल रहा होगा, मतलब भीगेगा नहीं बारिश से.
ये समझ में आ रहा है? इधर हमने क्या माना है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसके परपेंडिकुलर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, अब बताओ, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वी रेन माइनस वी मैन, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब तो वी रेन क्या है, वी रेन तो हमें पता नहीं है, तो लिख लेते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस वी मैन क्या है, वी नॉट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मीन्स वी नॉट आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब देखते हैं, या इसे और भी क्या लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस वी नॉट आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अगर मैं बोलूं कि अगर रेन का, रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कि कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, मीन्स यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये देखो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, मीन्स केवल वाई डायरेक्शन में ही, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या है, नो एक्स कंपोनेंट, नो एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, ये समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिर रहा है, आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर गिर रहा है, मीन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, एक्स तो इसी के अलोंग है, तो इस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो अगर एक्स कंपोनेंट में नहीं है तो इसमें एक्स कंपोनेंट में ये टर्म तो नहीं होगा, अगर ये टर्म नहीं होगा मीन्स ये टर्म जीरो, दैट मीन्स वी एक्स इक्वल टू वी नॉट होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा केस हमारा क्या है, जब टर्न बैक कर रहा है, ऊपर चल रहा है इंक्लाइन प्लेन के, ठीक। दूसरा केस मतलब ये टर्न बैक हो जा रहा है आदमी, जो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है किसके परपेंडिकुलर हो गया है, इसके परपेंडिकुलर, ये लोअर सरफेस के, ठीक, मीन्स ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, बाद में देखते हैं इसका यूज। अब ऐसे है और ये किधर मूव कर रहा है, वी नॉट से इधर, एक्स हम इसे माने हैं, वाई इसे माने हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये तो माने हैं। तो अब वी आर एम रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वी रेन माइनस वी मैन, वी रेन क्या लिखेंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, अब माइनस वी मैन क्या हो गया, अपोजिट टू द दिस, अपोजिट हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट आई कैप, ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई के साथ में इसको लिख लें, वी एक्स प्लस वी नॉट आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ वी आर एम एस आर एम, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी नॉट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, दैट मीन्स टू वी नॉट आई प्लस वी वाई जे, ठीक है, वी आर एम, हमें तो चाहिए क्या चीज, वी वाई चाहिए, क्यों, वी एक्स तो पता चल चुका है कि वी नॉट है, अब वी वाई कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये हमारा क्या डायरेक्शन है, अगर बात करूं ये डायरेक्शन हमारा क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट, ये हमारा क्या है, ये वी आर एम, वी आर एम है, ये क्या एंगल थीटा, थीटा है अगर ये, तो ये डायरेक्शन हमारा क्या है, किसका कंपोनेंट है, एक्स एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, तो अगर मैं बात करूं टेन थीटा, तो यहाँ एक्स कंपोनेंट में क्या है, टू वी नॉट, वाई कंपोनेंट में क्या है, वी वाई, तो टेन थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं टेन थीटा हमारा कितना है 37, मीन्स टेन 37 इक्वल टू टू वी नॉट बाई वी वाई, ओके, दैट मीन्स वी, ये क्या हो जाएगा, थ्री वाई फोर इक्वल टू टू वी नॉट बाई वी वाई, देन वी वाई इक्वल टू हाउ मच, वी वाई इक्वल टू हाउ मच, फोर टू जा एट वी नॉट बाई थ्री, तो अब आपका आ गया वी नॉट, वी एक्स भी आ गया और वी वाई आ गया, तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वी आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सिंपली वी नॉट स्क्वायर प्लस एट वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर, अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, रूट 73 बाई 3 वी नॉट इज योर आंसर, ये क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालना है रिलेटिव, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक, ए वैली हैज टू वॉल इंक्लाइन एट 37 डिग्री एंड 53 डिग्री टू द होरिजेंटल, होरिजेंटल से 37 एंड 53 डिग्री पे है, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी विथ ए वेलोसिटी यू, यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है,
along the direction perpendicular to the inclined plane OA. OA के perpendicular है, okay? The particle hits the inclined surface RV. RV inclined surface में perpendicular at Q. इसके perpendicular hit कर रहा है, means यहाँ पे कोई V velocity होगी इसकी, ठीक है? ऐसे अगर hit कर रहा है तो, जब hit करते वक्त क्या होगी? इसकी V velocity होगी, ठीक है? Perpendicular. Take G equal to something. पूछा क्या गया? Time of flight of the particle. कितना time? इसका time of flight क्या है? Means कितना देर air में रह रहा है? वही तो हमारा time of flight होता है. कितना देर air में रह रहा है? Time of flight हमें निकालना है, ठीक है? दूसरा क्या? Vertical height h. H निकालना vertical height from point P, ठीक है? H of the point P from the horizontal surface OR. OR से कितना distance पे? ये OR का distance कितना दिया? 15 meter. Okay. तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना. अगर ये है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा ux, जो ux कहीं भी चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है? ये कंपोनेंट ui ये होगा, ये समझ में आ रहा. ये एंगल 37 है, ये क्या होगा? 53. ये 37, 53 m 37, हाउ मच? 37. ये तो क्लियर है कि ये 37 है, तो ui आपका क्या हो जाएगा? ui u cos 37. That means u y equal to u cos 37. That means how much? 20 into cos 37, 4 by 5. Means how much? 16 meter per second. 16 meter per second हमारा u y आ गया. u x क्या होगा? U sin 37. That means 20 into 3 by 5. How much? 12 meter per second. ये 12 meter per second u y आ गया. ठीक. अब इसमें कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला है. यहां पे अगर देखें तो यहां पे इस डायरेक्शन में क्या होगा? vx एंड इधर vy. ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 53. ये तो समझ में आ रहा है कि 53 होगा. तो अगर vx की बात करें तो vx क्या हो जाएगा? v cos 53. v cos 53, ये तो समझ में आ रहा है. और ये v sin 53, ये भी समझ में आ रहा है. लेकिन vx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ux के. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा चेंज नहीं होने वाला है. एट q की बात करें तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड. ये तो लिख सकते हैं, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं. अगर यहां की बात करें, ये vy है, ये रहा vx, ठीक है? अगर ये vx रहा तो tan 53 अगर निकालें, अब ध्यान से देखो, अगर tan 53 अगर निकालें तो tan 53 क्या लिख सकते हैं? vx upon vy लिख सकते हैं क्या? यहां पे vx इधर होगा, ये एंगल है, तो अगर vx है तो perpendicular upon this, vx upon vy. vx आपको पता है 12, vy पता नहीं. tan 53 की वैल्यू 4 by 3 equal to 12 upon vy. तो how much vy equal to 9 meter per second. मींस vx vy भी निकल गया आपका, ये भी ux uy भी निकल गया, सब कुछ निकल गया. अब हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट. मींस टाइम ऑफ फ्लाइट, vy का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड. जब uy था इनिशियली तो हमारा डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड. तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में हमारा क्या हुआ है? uy कितना है? 16 मीटर अपवर्ड से 9 मीटर डाउनवर्ड होने में कितना टाइम लग रहा है? उतने ही देर तो हमारा फ्लाइट कर रहा है, मींस एयर में रह रहा है हमारा जो भी पार्टिकल है, वही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक? तो मींस 60 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन से 9 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो ये vy कितना हो रहा है? 9. तो हम लोग अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? vy इक्वल टू uy माइनस gt, ये लिख सकते हैं क्या? यही तो होगा. फाइनल वेलोसिटी हमारा इतना है, इनिशियल वेलोसिटी uy है, मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? माइनस 9. uy क्या है? 16 माइनस 10 इनटू t. हाउ मच आपका कितना हो गया? 10t इक्वल टू 25, मींस t इक्वल टू 2.5 सेकंड. मींस इतना हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. इतना देर हमारा क्या रह रहा है? एयर में रह रहा है, ठीक है? तो पहले का तो आंसर ये निकल गया, लेकिन हमें क्या पूछा गया? दूसरे में हाइट पूछा गया है, h. ये h निकालना है. तो अब इस h के लिए क्या करना होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे. अब देखें हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा वर्टिकल, ठीक है? अब यहां पे थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे. इसे मान लेता हूं y और यहां से टोटल हाइट को मान लेता हूं कैपिटल h, ठीक है? ऐसे मान सकते हैं ना? हम मान सकते हैं. ये हाइट हमारा कितना है? स्मॉल h के इक्वल है, और ये हमारा टोटल हाइट कैपिटल h मान ले रहा हूं इस p पॉइंट से, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है.
ओके तो ये क्या है हमारा वाई, यही तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं, एक और लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, इसे मान ले रहे हैं कितना डिस्टेंस एक्स वन, ठीक है, इससे मान ले रहे हैं ये डिस्टेंस एक्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 15 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, यही तो हमारा रेंज होगा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल करने में डिस्टेंस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 15 इक्वल टू हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो पहले वाई देखना होगा कि वाई क्या है, तो वाई कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला मीन्स वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स वाई निकालने के लिए यू वाई हमारा क्या है 16, टी क्या है 2.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें तो 6.25 इंटू 10 62.5 का डिवाइड करें, इसमें करें तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 8.75, ठीक है 8.75 मीटर इतना हमारा आ जाएगा। मीन्स वाई की वैल्यू तो मिल गया हमें, ठीक वाई की वैल्यू मिल गया हमें कि वाई की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। वाई की वैल्यू मिल गया हमें कि इतना ऊपर टकराया है, ठीक है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आता है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमारा क्या मिलता है टोटल रेंज, रेंज हमारा क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स क्या है हमारा 12 इंटू 2.5 हाउ मच 24 प्लस 6 30 मीन्स 30 मीटर, ओके 30 मीटर हमारा रेंज आ गया, लेकिन वो रेंज किसके इक्वल होगा, अब ध्यान से बताओ एक्स वन प्लस 15 प्लस एक्स टू, यही तो होगा एक्स वन प्लस 15 प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस 15 प्लस एक्स टू इक्वल टू 30, इतना लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, या एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक्स वन एक्स टू के बारे में जानते हैं कि एक्स वन एक्स टू है कितना, यहां से देखते हैं एक्स वन एच के टर्म में लिखना है क्योंकि हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसे एच के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 10 37 इक्वल टू एच बाई एक्स वन, ये तो लिख सकते हैं एच बाई एक्स वन, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10 37 डिग्री इक्वल टू एच बाई एक्स वन, मीन्स एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा एच बाई 10 37 कितना होता है 3/4 मीन्स 3 ऊपर 4, ठीक है, डेट मीन्स 4h/3 आपका आ गया। ऐसे यहां पे अगर मैं बात करूं कि 10 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एच बाई एक्स टू, कैपिटल एच ही तो है ये हाइट यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कैपिटल एच बाई एक्स टू, या और भी सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं ये हाइट कितना है स्मॉल एच और ये क्या है वाई, दैट मीन्स एच प्लस वाई बाई हाउ मच एक्स टू, तो एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एच प्लस वाई अपॉन इसका वैल्यू 4/3 मीन्स 3 ऊपर, ठीक है। तो ये टर्म हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपने इक्वेशन में, कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 एच प्लस 3/4 एच प्लस वाई इक्वल टू 15। y की वैल्यू आपको पता है, हाँ पता है, अभी तो निकाले 8.75 ऊपर, ये 8.75 ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4/3 एच प्लस 3/4 एच प्लस 3/4 इंटू 8.75 इक्वल टू 15। अब यहाँ से h की वैल्यू आप सॉल्व करो कुछ आ जाएगा 4.05 मीटर, ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकाला गया, ओके ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट हमारा ये था, पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था कि कितने देर एयर में रह रहा, तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, उसके बाद से हमें डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज किया, उसके बाद निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, द बॉय ए स्टैंडिंग एट द विंडो ऑफ फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए नियर बाय बिल्डिंग ऑब्जर्व दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल क्रॉसिंग हिम वाइल गोइंग अप एंड द बॉल क्रॉसिंग हिम वाइल गोइंग डाउन इज T1, क्या है टाइम T1, अनदर बॉय बी स्टैंडिंग ऑन द सेकंड फ्लोर नोटिस दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल पासिंग इन ट्वाइस इज T2, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है T1 T2। तो क्या पूछा गया है फर्स्ट में, कैलकुलेट द हाई डिफरेंस h बिटवीन बॉय बी एंड ए, ठीक है ये पूछा गया है। मान लेते हैं
अभी इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इसे क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद क्या देखना, सोल्यूशन देखना, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से बॉल फेंका गया है किसी वेलोसिटी यू से, ठीक है, यू से फेंका गया है आपके, ओके। और बॉय कहीं ए यहां पे है, ए बॉय यहां पे है एंड बी यहां पे है कहीं, ठीक, बी यहां पे है, तो दोनों के बीच का हाइट आपसे पूछा गया है, एच बताओ, ये पूछा गया है। बॉल यहां से गया, यहां से ऐसे यहां पे गया, फिर से वापस आया ऐसे ही, ठीक है, ये वापस आया, तो ये पूछा गया है आपका कि इसके बीच का डिस्टेंस पहले बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में कुछ और पूछा गया, देख लेते हैं, सेकंड में आपका यू पूछा गया कि यू क्या है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, मान लेते हैं कि जब यहां को एक आया है, यहां से क्रॉस कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वी ए है, जब यहां से क्रॉस कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी वी बी है, मान सकते हैं ना, हाँ मान सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है टू यू बाई जी, मीन्स जिससे फेंका जाए इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ए पे क्या हो गई, वी ए मान लिए हैं, तो टू वी ए बाई जी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, जब यहां से जाएगी और फिर से यहीं से क्रॉस करके नीचे चली जाएगी, ठीक। तो हमारा क्या है, टू वी ए बाई जी, ये किसके इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी वन, मीन्स बोल रहा है कि टी वन टाइम लग रहा है वाई ए के लिए, ये समझ में आया कि नहीं। अगर इसे मैं मान लू कि इनिशियल वेलोसिटी है वी ए, यहां से मीन्स ए से ही फेंका जा रहा है, तो ये क्या करेगा, फिर वापस आएगा, तो टाइम कितना लगता है, टू यू बाई जी, ये तो पता है कि टू यू बाई जी होता है, ठीक है, ये आपको पता है, तो मैंने लिख दिया टू वी ए बाई जी इतना। तो अगर यहां से वी ए निकालें तो हमारा क्या जाएगा, जी टी वन बाई टू, ये तो मिल गया, हमारा क्या मिला, वी ए मिला, ठीक है। ऐसे ही हम अगर यहां की बात करें तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, टू वी बी बाई जी इक्वल टू टी टू, यही तो बोल रहा है टी टू। तो अगर वी बी जी निकालें, वी टू सॉरी क्या होगा, जी टी टू बाई टू, ये हमारा वी बी टू निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मीन्स अगर बात करूं हाइट निकालने के लिए, अगर मैं बोलूं कि यहां से ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इस केस में इतने दूर ट्रेवल करने में एच डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, ये हमारा फाइनल, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, यही तो लिखते हैं, हाँ यही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, जी कैसा है, एच कैसा, जी हमारा निगेटिव, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस जी लिखना है यहाँ पे, ये लिख दिया। तो हम लोग क्या लिखे यहां से, हमें निकालना क्या है, एच निकालना है, तो एच निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वी बी कितना है हमारा, जी जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्वायर बाई फोर दोनों में से, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एच, ओके, इतना लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो आगे देखते हैं, एक जी से जी कैंसिल भी तो कर सकते हैं, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, ए टू इधर, तो एच की वैल्यू हमारा क्या आ गया, जी बाई फोर, ये माइनस अगर इसमें ला देंगे तो क्या हो जाएगा, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, यही तो हमारा एच है, ठीक है। तो एच हमारा निकल गया कितना, जी बाई फोर टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या पूछा गया है ये देखते हैं, एज्यूमिंग दैट द हाइट ऑफ वाई ए फ्रॉम द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज ऑल्सो इक्वल टू एच, मतलब ये जो हाइट निकाले हैं उसके ही इक्वल है, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्पीड विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है यू, जहां से फेंका जा रहा है आपको ये निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये हाइट जो बोला गया है कि ये भी आपका हाइट क्या है, एच है, तो आपको यू निकालना है, तो यू निकालते हैं, तो यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी क्या है, वी ए, मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये हाइट, तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही लगा देते हैं फिर से दूसरी बार, मीन्स बी सेकेंड के लिए हम लोग क्या लगा दें, डायरेक्ट लिखते हैं वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस हाउ मच टू जी एच, यही तो है, तो यू स्क्वायर हमारा इनिशियल आ गया, वी ए हमारा क्या है, जी टी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू जी एच, हमारा क्या था, जी बाई एट टी वन जी बाई एट कितना था, जी बाई एट था ना, हाँ टू इंटू फोर एट होगा ना, सॉरी यहाँ पे जी बाई एट टू मल्टीप्लाई होगा ना, जी बाई एट टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अगर इतना लिख सकते हैं तो
देखते हैं ये 2 से 2 कैंसिल आउट 4 जी जी टी वन स्क्वायर बाई 4 प्लस जी स्क्वायर बाई 4 टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. ओके अब इसमें जी स्क्वायर बाई 4 कॉमन मीन टी वन स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर टू टी वन स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टी टू स्क्वायर यू स्क्वायर. अब इसको स्क्वायर रूट आप ले लो आपका आंसर आ गया u इक्वल टू जी बाई 2 रूट 2 टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर दैट इज योर आंसर. ठीक है तो ये आपका आंसर रहा ऐसे निकालना है. ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ठीक है इसमें क्या बोल रहा है ए पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द होरिजेंटल. ठीक है एट द सेम टाइम ए सेकेंड पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम ए. ठीक है ये दिया इफ द पार्टिकल कोलाइड्स इन एयर. ठीक द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ऑफ पार्टिकल बी इसका अल्फा बताना है. दूसरा टाइम व्हेन द कोलिजन टेक्स प्लेस दूसरा टाइम बताना है. तीसरा डिस्टेंस बताना है कि कहां कोलाइड कर रहा है पी ए से. ठीक है पी पॉइंट ये तीन चीज बताना है. तो इसमें क्या करें क्वेश्चन करने का तरीका. ठीक या तो हम लोग रिलेटिव से करें रिलेटिव से करना सबसे इजी होगा. इजी कैसे होगा मान लेते हैं अगर एक पे हम लोग बैठ जाएं. ठीक क्यों क्योंकि इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ए इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस जी ए के लिए ए क्या है बी के लिए भी क्या है माइनस जी दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया ए रेस्पेक्ट टू बी जीरो. मतलब अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन ही नहीं है अगर ये दोनों में तो एक पे अगर बैठ के देखें तो दूसरा हमारा मोशन कैसा दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा. ठीक है अगर स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा तो हम लोग क्या करें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें यहाँ पे तो एक पे बैठ जाते हैं किसी पे भी मान लेते हैं कि लोग बी पे बैठ गए. ठीक है बी पे बैठ गए किस पे बैठ गए बी पे हम लोग बैठ गए. ठीक है अगर बी पे बैठ गए तो ए पे क्या क्या दिखेगा बी क्या हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा. अगर रेस्ट हो गया तो अब हमारा क्या दिखेगा ये दिखेगा ए का. तो हम लोग क्या करते हैं पहले कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं. इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर होगा कितना 50 साइन अल्फा इधर 50 कॉस अल्फा. इसका क्या होगा कंपोनेंट इधर 60 कॉस अल्फा मीन 60 कॉस 30 मीन 60 कॉस 30 दैट मीन्स 30√3. इधर क्या हो जाएगा 60 साइन 30 दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड. यही होगा आपको समझ में आ रहा है. हाँ अब देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग. अब मान लिया कि इस पे बैठ गया. ठीक है तो अब बैठ गया तो ये तो टर्म रेस्ट हो गया. ये टर्म क्या हुआ ये मीन्स पार्टिकल रेस्ट हो गया. जिस पे बैठते हैं हम लोग क्या हो जाता है रेस्ट पे. तो हमारा देखते हैं अब यहाँ पे ये पार्टिकल बी पे बैठ गया तो ए पे तो होगा वेलोसिटी. अब इस डायरेक्शन में क्या होगा अब बताओ इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 30 माइनस 50 साइन दिस होगा. इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 30 माइनस 50 साइन अल्फा ये होगा. इस डायरेक्शन में क्या होगा दोनों अपोजिट है मीन्स 30√3 प्लस 50 साइन अल्फा यही होगा. ये तो समझ में आ रहा है इस डायरेक्शन में ये होगा और इस डायरेक्शन में ये होगा. तो हमारा बोल रहा है कि कोलाइड करे एयर में. एयर में अगर कोलाइड करेगा अब यहां पे ध्यान से आपको समझना है एयर में कोलाइड करने के लिए ये पार्टिकल अब यहां पे बैठे हैं देख रहे हैं तो कैसा कोलाइड करेगा ये लाइन पे ही वेलोसिटी आएगा तभी तो कोलाइड करेगा कि इस इधर से जाएगा तो कोलाइड करेगा इधर से जाएगा तो कोलाइड कर ही नहीं सकता इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे कोलाइड करने के लिए यही वेलोसिटी होनी चाहिए. तो ये वेलोसिटी होने के लिए दूसरा कोई कंपोनेंट ही नहीं होना चाहिए मीन्स ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए जीरो. अगर ये कंपोनेंट मान लिया कि हो गया इसकी वैल्यू 5 हो गई इसकी वैल्यू मान लिया 4 हो गई तो हमारा क्या हो गया कोई ना कोई इधर से रिजल्टेंट जाएगा जो कि इससे स्ट्रेट नहीं जाएगा और कोलाइड नहीं करेगा. इसलिए ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए जीरो. फॉर कोलिजन आपका क्या होना चाहिए 30 माइनस 50 साइन अल्फा जीरो तभी कोलाइड करेगा. ठीक है इसमें और भी केसेस बनाए जाते हैं बोले जाते हैं अगर कोलाइड नहीं कर रहा है तो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ठीक है तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं किसी एंगल पे अगर ले जाएंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही परपेंडिकुलर क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है. तो मिनिमम डिस्टेंस तो उस केस में कभी कोलाइड ही नहीं करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है तो वहां पे मिनिमम डिस्टेंस यहां पे कोलाइड कर रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस का नहीं पूछा गया
तो कोलाइड करने के केस में ये कंपोनेंट हमारा जीरो होना चाहिए, तो जीरो कर दिया, मीन्स 30 इक्वल टू 50 साइन अल्फा, ये कैंसिल, मीन्स साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अब बताओ 37 डिग्री, कितनी आ गई 37 डिग्री, हमारा अल्फा तो निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था इसमें, टाइम व्हेन द कोलिजन टेक्स प्लेस, अब टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना है तो क्या करें, अल्फा के वैल्यू तो मिल गया, हमारा कितना स्पीड से मूव कर रहा है दिस, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है एंड टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज तो आपको पता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है किस स्पीड से, इस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, मीन्स 30 वी ए रिस्पेक्ट टू वी हमारा क्या है 30√3 + sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50 × 3/5। ठीक है, इतनी होनी चाहिए हमारी ये चीज, अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या करें, ओह सॉरी यहाँ साइन कैसे आ गया, यहाँ तो साइन था ना, यहाँ तो कॉस था, ये हमारा कॉस कंपोनेंट, कॉस, ठीक है, वही कर रहा हूँ, दोनों में कैसे आ गया, ये कॉस होगा, मीन्स ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कॉस आपको ध्यान में रखना है, ये कॉस है, ये साइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस है तो कॉस ही तो ऐड होगा। ठीक, तो हमारा 50, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक, मीन्स हाउ मच 30√3 + 40, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तो हमारा टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू 100/relative velocity 30√3 + 40, दैट इज योर टाइम, टाइम ऑफ कोलिजन, दैट मीन्स आप डिवाइड करो 1.09 सेकेंड के आसपास, कुछ ना कुछ आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ठीक, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए वेयर कोलिजन अकर्स, मीन्स आपका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां कोलिजन ऑकर कर रहा है, ऐसे हो रहा है, जा रहा है पार्टिकल, ऐसे इधर के पार्टिकल ऐसे आकर ऐसे कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट पी निकालना है, दैट मीन्स यहां से ये डिस्टेंस आपका मान लो कि एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है एस, ठीक है, एस निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, यू एक्स इंटू टी, ये तो समझ में आ रहा है, किसी का भी एक का वेलोसिटी ले लें, यू एक्स इंटू टी, और यू आई इंटू यू आई वाई कैसे निकालेंगे, यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे लेकर निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, x पहले निकाल लें, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स हमारा क्या है 30√3 × t हमारा कितना है 1.09, ठीक, y हमारा क्या होगा, यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू आई हमारा कितना था 30√1.09 माइनस हाफ इंटू 10√1.09 का होल स्क्वायर, यहां से ये निकल गया ux एंड uy, तो डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज योर डिस्टेंस, आप कैलकुलेट करो इसका आंसर, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकालना, इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत लेंदी लेक्चर हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करते हैं, और भी इसके लिए वीडियो बना लेंगे अलग से, और एससी वर्मा का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे अच्छे अच्छे ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं और भी अच्छा बना सकूं। ओके, थैंक यू।